हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सर्विसेज। हम जेके एसएसबी की हिस्ट्री पार्ट को डिस्कस करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को, एंटायर हिस्ट्री को एमसीक्यूज के जरिए डिस्कस किया जाएगा। ये आज हमारा पहला लेक्चर है। चलिए गाइस, लेक्चर शुरू करते हैं। द क्वेश्चन नंबर एंड फर्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन हमसे पूछता है, पहला हिस्टोरियन कश्मीर को किसको कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विच इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। फर्स्ट कश्यपा, सेकेंड कल्हाना, थर्ड कनिष्का और द फोर्थ अश्वघोषा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज़ कल्हाना। कल्हाना को रिगार्ड किया जाता है एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। कल्हाना ने एक बुक लिखी थी राज तरंगी के नाम से। ये बुक संस्कृत में लिखी गई है। ड्यूरिंग द टाइम 1148 से लेके 1149 के बीच लिखी गई है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कल्हाना, एंड कल्हाना ने बुक लिखी राजतरंगी। दिस इज रिटन इन संस्कृत। द सेकेंड क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट न्योलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट इन द कंट्री। हमें न्योलिथिक साइट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी पहली न्योलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट इंडिया में थी। नंबर फर्स्ट इज बेगागुंड, सेकंड गुफक्राल, थर्ड बुरजहोम, फोर्थ पंजहोम। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थ्री, दैट इज बुरजहोम जो है ये फर्स्ट न्योलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है कंट्री में। हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक में, और इंडिया में पैलियोलिथिक के भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पैलियोलिथिक कल्चर पाया जाता है, मीजोलिथिक के कल्चर्स पाए जाते हैं, इसी तरह नियोलिथिक के कल्चर्स हैं। क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा था कि आप हमें बताइए जो इंडिया में पहली आर्कियोलॉजिकल साइट जो कंसिडर की जाती है नियोलिथिक, वो कहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बुरजहोम। द फर्स्ट नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया इज इन बुरजहोम। द क्वेश्चन नंबर एंड थर्ड, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पांडरेठन। पांडरेठन, जिसे ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है, कौन सा ऐसा रूलर था जिसने इसे एस्टैब्लिश किया। द फर्स्ट इज अशोका, द सेकेंड इज जालुका, थर्ड इज दामोदर सेकेंड और द फोर्थ कनिष्का। The answer of this question is A, Ashoka founded the city of Pandrethan. Pandrethan में एक temple भी है, या additional information आपके लिए, जिसको built किया था मीरू ने। जो मीरू है, he was the minister of King Partha. यहाँ पे आप याद रखिए, the old city of Srinagar, that is Pandrethan, was founded by Ashoka. इसके अलावा पांडरेठन में एक टेम्पल भी है जिसको बनाया था मीरू ने, और मीरू मिनिस्टर था किंग पार्था का। किंग पार्था के वक्त की अगर बात करेंगे, इसका जो टेन्यूअर है किंग पार्था का, दैट इज 921 से लेकर 931 कॉमन एरा, जिसे हम एडी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर एंड फोर्थ इज, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाई कनिष्का एट। हमें क्वेश्चन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि बुद्धिज़्म के चार काउंसिल्स हुए, क्वेश्चन हमसे बताता है कि चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्का ने हेल्ड किया था। हु रूल्ड द कश्मीर, कहाँ पे, कश्मीर के किस हिस्से में कनिष्का ने इसे हेल्ड किया। द फर्स्ट इज ब्रा, सेकेंड ओलिचीबाग, थर्ड कुंदलवाना, फोर्थ सोमूर वाजदल। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थ्री, कुंदलवाना में कनिष्का ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को हेल्ड किया था। एंड कुंदलवाना प्रेजेंट डे हरवन की जगह नज़दीक एक प्लेस है, या हरवन के बासी इसको कह सकते हैं। प्रेजेंट डे हरवन जो है, वहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को हेल्ड किया गया था। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट मॉक इसे प्रिजाइड कर रहा था, ही वॉज बसुमित्रा। सो द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कुंदलवाना, दैट इज प्रेजेंट डे हरवन, एंड दिस वॉज हेल्ड बाई कनिष्का एंड प्रिजाइडेड बाई वसुमित्रा। नाउ द क्वेश्चन नंबर एंड फिफ्थ सेज, टू प्रीच द फेथ ऑफ बुद्धा इन द वैली, अशोका अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट मॉन्क। कश्मीर में वैली में बुद्धा की टीचिंग्स को फैलाने के लिए
अशोका ने किस बुद्धिस्ट मॉन्क को अपॉइंट किया था? फर्स्ट इज मझांतिका, सेकंड इज उर्वासी, थर्ड इज अश्वघोषा, फोर्थ इज नागार्जुना। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन, जो मझांतिका था ही वॉज द इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क जो वाराणसी का बिलोंग करता था, वाराणसी में रहता था है, लेकिन इसको जो है अशोका ने अपॉइंट किया था कि ये बुद्धिज़्म को फैलाए, एक तो कश्मीर में, कश्मीर वैली में, और इसके अलावा जो गांधार का रीजन है, इन दो रीजन्स में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये जो बुद्धिज़्म की आइडियोलॉजी है उनको फैलाए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ फर्स्ट, दैट इज़ मझांतिका। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग टू यू, ये बिलोंग करता था वाराणसी से, इसको अशोका ने ये ऑर्डर दिया था कि आप कश्मीर चले जाए और गंधारा चले जाए, गंधार रीजन में चले जाए और वहाँ पर बुद्धिज़्म की प्रीचिंग्स को आगे बढ़ाए। नाउ द क्वेश्चन नंबर एंड सिक्स इज, हु फाउंडेड द करकोटा डायनेस्टी? Who founded the करकोटा dynasty? करकोटा dynasty के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन है जिसने करकोटा dynasty को फाउंड किया, Who established it? The first is ललितादित्य, second is दुर्ला बवर्धना, third जयातिदित्य और fourth विक्रमादित्य। The answer of this question is B, that is जो दुर्ला बवर्धना है, he founded the करकोटा dynasty. करकोटा डायनेस्टी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब बनी? ज्यूरिंग द टाइम ऑफ 7th and 8th century के बीच में करकोटा डायनेस्टी को दुर्लभवर्धना फाउंड कर लेता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक बात है, करकोटा डायनेस्टी के टाइम पे दिस देयर रूल सॉ ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेंशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड इमर्जेंस ऑफ कश्मीर एज द सेंटर ऑफ कल्चर एंड स्कॉलरशिप। याद रखिएगा, करकोटा डायनेस्टी का जो टाइम था इसमें कश्मीर में पॉलिटिकल एक्सपेंशन हुआ, देयर वाज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और एमर्जेंस ऑफ कश्मीर एज अ सेंटर ऑफ कल्चर एंड स्कॉलरशिप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर? क्वेश्चन हमसे पूछता है कि दिए गए रूलर्स में से समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? ये टाइटल है समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। द फर्स्ट इज ललितादित्य, द सेकेंड इज दुर्लभवर्धना, द थर्ड इज जयातिदित्य और द फोर्थ इज विक्रमादित्य। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन, जो ललितादित्य है इसको कंसिडर किया जाता है एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। जो ललितादित्य है ही प्रूव्ड टू बी मोस्ट इलस्ट्रस किंग जो करकोटा डायनेस्टी का था, दैट वॉज ललितादित्य। इसने क्या काम किया? ही केप्ट गुड रिलेशन विद चाइना, इसने डिफीट किया तिब्बतियंस को एंड द माउंटेन ट्राइब्स ऑन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ हिज किंगडम सच एज दार्दस, कम्बोजाज, तुर्क्स एंड कंक्योर द पार्ट ऑफ पंजाब। जब इसने पॉलिटिकल एक्सपेंशन की बहुत बड़े पैमाने पे, इसको टाइटल दिया गया समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। द क्वेश्चन नंबर एट सेज, ह्यूएन सैंग विजिटेड कश्मीर ज्यूरिंग द रीन ऑफ? क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कश्मीर में ह्यूएन सैंग कब आया, उस वक्त किसका रेन चल रहा था? द फर्स्ट इज ललितादित्य, द सेकेंड इज दुर्ला बवर्धना, थर्ड इज जयातिदित्य, द फोर्थ इज विक्रमादित्य। अगर हम ह्यूएन सैंग की बात करेंगे, जो ह्यूएन सैंग था ही वॉज ए चाइनीज पिलग्रिमेज, ये चाइनीज पिलग्रिम था जो इंडिया में आता है ज्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धना। और अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, ये कश्मीर में आता है ज्यूरिंग द रीन ऑफ दुर्ला बवर्धना। तो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। फ्यू देयर आर सम टेक्स्ट्स जो मेंशन करते हैं कि ललितादित्य के टाइम पे ही है, बट मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट्स जो एक्सेप्ट करते हैं दैट इज ही विजिटेड कश्मीर ज्यूरिंग द रीन ऑफ दुर्ला बवर्धना। और अगर हम बात करेंगे, ये पहला था चाइनीज ट्रैवलर जो कश्मीर में आता है, सो ही बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। वन इज दैट ये इंडिया आता है ज्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धना और कश्मीर में आ जाता है ज्यूरिंग द टाइम ऑफ दुर्ला बवर्धना। Now the question number and 9 says, seeds of which crop has been found at Burzuhom? ये बुरजुहम जो न्योलिथिक साइट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे स्टेट पीएसओ हमारा JKSSB हो या इवन UPSC का एग्जाम हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्योलिथिक साइट है। हम इससे क्वेश्चन पूछता है कि किस क्रॉप के सीड्स बीज पाए गए थे बुरजुहम में,
द फर्स्ट इज लेंटल्स, द सेकेंड इज वीट, थर्ड इज बार्ली और फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। ये जो सारे सीड्स है ये पाए गए थे बुरजोहम में। ऑल ऑफ दीज इज द आंसर, लेंटल्स, वीट, बार्ली, सारे के सारे सीड्स जो है वो पाए गए बुरजोहम में। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेक्शन इज, अकॉर्डिंग टू कल्हानास राजतरंगी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज। जैसे मैंने कहा कि कल्हाना को कंसिडर किया जाता है एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, इसने बुक लिखी उसका नाम है राजतरंगी। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है जो कल्हाना ने बुक लिखी है राजतरंगी उसके अकॉर्डिंग कश्मीर का पहला रूलर कौन है। द फर्स्ट इज गुनाडा फर्स्ट, द सेकेंड गुनाडा सेकेंड, थर्ड दामोदरन फर्स्ट और द फोर्थ इज ललितादित्य कन्नदा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन, दैट इज गुनाडा फर्स्ट। जो गुनाडा फर्स्ट है कल्हाना की राजतरंगी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट रूलर है कश्मीर का। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। हम सारे टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के जरिए डिस्कस करेंगे। जो भी टेक्स्ट आप, जो भी सोर्स आप इस्तेमाल कर रहे पढ़ाई के लिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप उस नॉलेज को फिर अप्लाई कर पाए एग्ज़ाम के टाइम। द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज हम एग्ज़ाम से पहले ही मॉक्स देना शुरू करें, अपने माइंड को इस तरह से इक्विप कर पाए जब आप कल टेस्ट देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।